और अभी राहुल गांधी जी और हम फारूक अब्दुल्ला साहब जब हम एक हो गए तब बीजेपी और भी घबरा गई है, डर गई है। पहले तो बहुत डराने की कोशिश की और वो शाह तो दो तीन बार आए, इतना भाषण बोलते, इतना बकते हैं, इतना बकते हैं, शायद उनको कभी शर्म नहीं आती कि झूठ बोलना। ठीक है, उन्होंने एक बार बोला था कि जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अगर हुकूमत में आएंगे हर एक को 15-15 लाख रुपए पैसे देंगे, सब काला धन बाहर है वहां लाकर लोगों को देंगे। फिर बाद में बोले हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। जब हमने पार्लियामेंट में पूछा, बाहर पूछा, तो वो बोले ये तो चुनावी जुमले हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए जो झूठ बोलकर वोट लेते हैं, जो झूठ बोलकर लोगों को दगा देते हैं, लोगों को फंसाते हैं, नौजवानों को दिशा भूल करते हैं, वो जवाब देना चाहिए। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर साल के, अब 20 करोड़ नौकरियां, कहाँ है किसानों को देने का दाम, कहाँ है किसानों को देने का MSP, कहाँ है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण करने की बात की। अभी भी आने के बाद हजारों आज अटैक हो रहे हैं, हर जगह लोग तंग और तबाही के साथ फिर रहे हैं, लेकिन कभी भी मोदी जी शर्माते नहीं और शाह भी शर्माते नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले और झूठों के सरदार है, और जो झूठों के सरदार होते हैं वो ऐसे ही बोलते जाते हैं, लेकिन हम सच बोलने वाले हैं। सच बोल के इस देश को हमने 60-70 साल ठीक रखा, शांति से रखा, और देश में दुनिया भर के हमने काम किया, इरिगेशन का, पब्लिक सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, और हमने ये करके दिखाया। ये देखिए आपके सामने ये क्या है भाई, सामने आपके ये यहाँ मार्केट बनने वाली थी, 10 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ मुझे बताया गया, 10 साल होने के बाद भी आज मोदी साहब के सरकार में जमहूरियत सरकार को हटाकर